पंजाब के खजाने की दुरवरतों जिन्हें भी की है, चाहे वह 15 साल पहला से चाहे 10 साल पहला से, भावें वह अपने मित्रों कोई प्रॉपर्टी कौटिया के भाव बेच गया, भावें वह अपने दोस्तों दोस्ती निभाने लिए कोई किसी जेल च रख गया, भावें वह किसी भी किस्म पंजाब के खजाने लुट गया, वो जांच होगी तो जांच होकर सज़ा भी मिलेगी जो बनती है कानून मुताबिक। इन्हें पंजाब सरकार ने संपर्क किया, पंजाब सरकार ने संपर्क किहड़े चैनल तो किया, कैप्टन साहब ने दस देना चाहना, वो कहते मैं जिंदगी कदम मिले नहीं, रणिंदर नूं पुछ लो, तुहाडे बेटे नूं पुछ लो भी वह कितनी बार मिले जिंदगी। यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानूं दे दो, कदे कहते रीढ़ की हड्डी ठीक है, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता, 25 दी 25 चिट्ठियां दा जवाब देता असीं दिंदे नहीं। उसकी सेवा चल रही थी, उसकी वाइफ आके 2-2 महीने इतने रही थी, जेल के मगले पास कोठी ले ली सी। मैनू कहिंदे तुहानू सरकार नहीं चलाउणी हुंदी, ऐ सरकार चलदी हुंदी फिर जिहड़ी इहनां दी, ना मुख्यमंत्री नूं पता कौन है, ना जेल मंत्री नूं पता कौन है, कोई भी आई गया जेल च, कोई भी जाई गया। फिर कल वह मैं सुन देखिया कि जदों कोई पहलवान हार जाए ना फिर वह थप्पड़ थप्पड़ी ते आ जांदा है, फिर वह गालो गाली ते आ जांदा है, वह गल इहनां दी होई हुई आ, गल इन्हों कोई आँदी नहीं, ठीक है ना, मैंने नोटिस जारी करो, मैं एक वाली फ्लाइट फड़ू, मैं 3 वाली फड़ू, सारे नोटिस भी आ जाएंगे। जदों की असी 16 मार्च तो खटखट कलां तो शहीद आजम भगत सिंह होर का आशीर्वाद लैके सहु चुकी है, मैं उदों तो बार बार ये कह चुकिया कि पंजाब के खजाने की दुरवरतों जिन्हें भी की है, चाहे वह 15 साल पहला से चाहे 10 साल पहला से, भावें वह अपने मित्रों कोई प्रॉपर्टी कौटिया के भाव बेच गया, भावें वह अपने दोस्तों दोस्ती निभाने लिए कोई किसी जेल च रख गया, भावें वह किसी भी किस्म पंजाब के खजाने लुट गया, वो तो जांच होगी तो जांच होकर सज़ा भी मिलेगी जो बनती है कानून मुताबक। जितों तक अंसारी वाला सवाल, ये तो हुण जग जाहर है कि वह 2.5 साल के लगभग 2 साल के लगभग रोपड़ जेल च रहा, तो उस केस का भी नहीं पता जिहड़े केस च रख्या सी, केस च कहड़े च रख्या सी, कोई केस नहीं सी। उत्थे एक MLA MP कोर्ट है यूपी च, उहदे विच उहदा केस लग गया, वह 2-3 महीने च उहनूं सज़ा हो जाणी सी। ते ये अंसारी जिहड़ा इहने पंजाब सरकार नाल संपर्क किया, पंजाब सरकार नाल संपर्क किहड़े चैनल तों किया, कैप्टन साहब नूं मैं दस देना चाहुंदा, वो कहते मैं जिंदगी कदम मिले नहीं, रणिंदर पुछ लियो, तुहाडे बेटे नूं पुछ लियो भी वह कितनी बार मिले जिंदगी। संपर्क करके एक इत्थे थ्रैट की FIR करा के उन्हें लै आए, इत्थे लै आए जी, उहदी सेवा शुरू हो गई। घट्टो घट 25 बार तो वध यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानू दे दो, कदे कहते रीढ़ की हड्डी ठीक है, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता, 25 दी 25 चिट्ठियां दा जवाब देता असीं दिंदे नूं। उहदी सेवा चल रही थी, उहदी वाइफ आके 2-2 महीने इत्थे रहिंदी सी, जेल दे मगले पासे कोठी ले ली सी, ठीक है जी। फिर यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट च, सुप्रीम कोर्ट नूं कहा उन्होंने कि सानू बंदा नहीं दिंदे जी, पंजाब पुलिस आए साडा बंदा जी, उहदे केस चलदे ने। इस गल नूं इस केस नूं लड़न लई वकील कीते गए कि आपां देणा नहीं बंदा है, वकीलों की फीस बन गई 55 लाख, वो 55 इन द मीन टाइम इन्हों की सरकार बदल गई, 55 लाख रुपये का बिल तो मेरे को ही आऊगा ना, जो मेरे को 55 लाख का बिल आया तो वकीलों के पैसे तो सू देने पैणगे ना, ठीक है ना। मैं क्या भी ये 55 लाख आप खजाने चो क्यों देवे, ये 55 लाख उन्होंने तो वसूलना चाहिए जिन्हें ने बिना किसी कारण तो इतने रखे उन्होंने। तो जेल मंत्री साहब कहते भी मैं तो कुछ पता ही नहीं होंगे, 2021 चो चिट्ठी लिख रहे हैं भी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है, मूरे विधानसभा चोणां आ रही ने, मीडिया सवाल पूछता मैं की जवाब देव, मैनू तो तुम दस दी नहीं है कि तुम लिया के उन्होंने रख रखे अंसारी ये चिट्ठी है ना, मैं लिखी है चिट्ठी सुखजिंदर ने लिखी है, यदा मतलब जेल मंत्री कह रहे थे तुम गृहमंत्री हो मैनू तो दस दया करो, तो गृहमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, कैप्टन साहब कहते मैं जिंदगी कदम मिले नहीं। अच्छा मैनू कहते थानू सरकार नहीं चलानी होंगी, ऐ सरकार चलती होंगी फिर जी, इन्हें ना मुख्यमंत्री पता कौन है, ना जेल मंत्री पता कौन है,
कोई भी आई गया जेल च, कोई भी जाई गया, ठीक है ना। ये इस करके रिकवरी 55 लाख की होगी। रंधावा साहब, कैप्टन साहब, ये गल मेक श्योर कर देना मैं थोनू। वो कहते जो हजे पेमेंट हुई ही नहीं फिर रिकवरी कर दी। मैं उही तो कहना कि असी पेमेंट करनी थोड़े थ्रू है, असी क्यों करिए जे देनी भी पैगी खजाने चो। रिकवरी तो फिर इन्हों तो होगी। हाँ जी, रनिंदर का रोल भी एक्सपोज करोगे? पूछ लेना कैप्टन साहब, कैप्टन साहब पूछो। अच्छा, मैं जवाब दे फिर कल। वह मैं सुन देखा जदों कोई पहलवान हार जाए ना फिर वो थप्पड़ थप्पड़ी ते आ जाता है, फिर वो गालो गाली ते आ जाता है। वो गल इन्हां दी होई होई रहा, गल इन्हां नूं कोई आउंदी नहीं, ठीक है ना। मैनूं नोटिस जारी करो, मैं एक वाली फ्लाइट फड़ूँ, मैं तीन वाली फड़ूँ, सारे नोटिस भी आ जाएंगे, ठीक है ना। हजे कल ये नहीं खुलासे, यह तो हजे बहुत घट ने। जो समान इन्हां दा पिया है ना, हौली 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 कानून दे प्रोसैस जाऊगा, तो नाल ये भी पुछ लाँगे तुहाडे सामने, असीं जाँच करवावांगे। रोपड़ जिले के विच ही आ चला दो, रोपड़ जिले के विच ही अंसारी दे बेटे, अंसारी दे भतीजे दे नाते वक्फ बोर्ड की जमीन है। खादा हाँ जी, अब्बास अंसारी है ना, अब्बास अंसारी। हाँ जी, मेरे को रिकॉर्ड पे है। हाँ जी, इन्हें यह लगता कि असी वैसी है, असी पंजाब नाल दिलों जुड़े हुए, असी कोई असी कोई है जी। किन्नी किन्नी जमीन है, मैं क्या जी, तुसी एक मिनट खड़ो तो सही, जमीन सारी दस देंगे। हाँ लो जी, आह मीडिया जी, ये चाहे आवास अंसारी एंड श्री उमर अंसारी, कितों दी है जी? यह रोपड़ की जमीन है जी, आ सारा जिहड़ा वक्फ बोर्ड की जमीन है। आवास अंसारी ते उमर अंसारी, एक भतीजा एक बेटा है, बाकी ये तो पता होगा इन्होंने, रणिंदर पता हो कौन कौन ने, ठीक है जी। ये इस तरह पंजाब में लुटते रहे हैं। कैप्टन साहब कहते मैं मिले नहीं, यदा मतलब तुम तो बेटा ही लटाई गया फिर, कि जे तू तेन मुख्यमंत्री बनाता सा। वो कहें 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, भगवंत मान 1.5 साल होया।